पलवल जिले के गांव बागपुर में बीआर कॉलेज ऑफ फार्मेसी में वर्ल्ड फार्मिस्ट डे मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हरिद्वार के गुरुकुल कनकगरी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अश्विनी कुमार ने शिरकत की। इस मौके पर अश्विनी कुमार ने छात्रों को बताया कि एक फार्मिस्टर को अपना कार्य कैसे करना चाहिए और वह समाज में अपना योगदान कैसे कर सकते हैं। यस, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे क्या है, टर्की में 2009 में फार्मास्यूटिकल एसोसिएशंस ने एक सजेशन दिया एट FIP, दैट इज इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, कि हमें एक इस तरह का डे सेलिब्रेट करना चाहिए जिससे कि फार्मासिस्ट और फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट जितने भी हैं उनको एक मंच प्रोवाइड हो आगे आने के लिए, वो नॉलेज अपग्रेड हो उनकी। तो 2010 में वो सजेशन एक्सेप्ट किया गया वर्ल्ड वाइडली और कोऑर्डिनेट किया गया फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। उसके बाद हर साल तब से जो है एक नया थीम FIP दे रहा है हम लोगों को और उसको लेके प्रोसीड कर रहे हैं सभी फार्मासिस्ट, और उनके कुछ नए प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। जैसे उन्होंने बताया कि गुड फार्मेसी प्रैक्टिस और सेल्फ रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ मेडिकेशंस, इस तरह से तो उसके बारे में अवेयरनेस लोगों को देना है कि रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ मेडिसिन क्या होता है, सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करना चाहिए। वहीं कॉलेज के प्राचार्य ब्रजेश कुमार और चेयरमैन सीताराम शर्मा ने भी छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि एक फार्मिस्ट समाज में अपनी सेवाएं देकर अपना अमूल्य योगदान दे सकता है, उसे अपना कार्य कुशलता से करना चाहिए और वह अपना कार्य पेशे की तरह ना करके समाज सेवा की तरह करे, जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जा सके। फार्मेसी डे सेलिब्रेट करा जाता है, ये नॉर्मली फार्मासिस्ट के लिए सेलिब्रेट करा जाता है। इसमें हम एक फार्मासिस्ट की जो रोल्स है हेल्थ लाइन के अंदर उनके ऊपर प्रेजेंटेशन दी जाती है। तो हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा बढ़ चढ़ के प्रोग्राम में भाग लिया, हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने रंगोली कॉम्पिटिशन, पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन, स्पीच कॉम्पिटिशन में सब पार्टिसिपेट किया और बच्चों ने बहुत ही अच्छे अच्छे अपने जो टेक्निक्स हैं अपनी अच्छी अच्छी कला को प्रदर्शित किया, जिसके लिए बाकायदा उन्हें पुरस्कृत भी किया गया है। और पुरस्कृत जो है हमारी संस्था के चेयरमैन जो है पंडित सीताराम शर्मा जी हैं, उनके द्वारा किया गया। और साथ ही बाहर से हमने विभिन्न संस्थाओं के प्रवक्ता बुलाए गए, जैसे कि अश्विनी कुमार जी हैं गुरुकुल कंगड़ी विश्वविद्यालय से, उन्हें इन्वाइट किया गया, उन्होंने बहुत अच्छा अपना लेक्चर दिया।